अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आ रही हूँ ऐसी रेसिपी जिससे आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अगर आपके यहाँ चावल बचे हुए हैं तो उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। इतनी डिलीशियस और मज़ेदार किस्म की थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप चावल भी बनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा क्वान्टिटी के बनाएंगे। तो मेरी रेसिपी एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। और मुझे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो जल्दी से लाइक चपके आए और बेल आइकॉन का बटन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो अंडे डालूँगी, दो अंडे तोड़ के डालूँगी। इसमें क्या शामिल करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो जो देखे जो दूसरा अंडा मैंने तोड़ लिया हुआ है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चम्मच नमक का, 1/4 हिस्सा नमक का ऐड करूँगी और 1/4 हिस्सा काली मिर्च का ऐड करूँगी, पिसी हुई काली मिर्च। और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि जैसा लग जान हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद देखें हमारा अंडा बिल्कुल तैयार हो गया। इसको साइड पे कर लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने 1/4 कप ऑयल डाला है, तो उसमें से आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन ऐड कर लिया। और इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से छोटे कर लूँगी ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो छोटे करने के बाद जो देखे इसका सारा रंग कितना चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ पे डाल दूँगी मैं अंडा। अंडा डाल कर इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है, यानी पुटलियों के चक्कर में इसको ले आना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने छोटे छोटे पुटलियाँ पसंद है तो आप चल चल हिलाते रहें, अगर मोटा मोटा पसंद है तो बेक दे दें, ताकि ये बड़े बड़े साइज के ना अंडे रेडी हो जाए। तो यहाँ पर छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने छोटे छोटे रेडी किए हैं। तो ये देखें हमारा अंडा बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई और 1/2 चाय का चम्मच मैं इसमें चिकन पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच चिकन पाउडर डालूँगी मैं। ये देखो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि जो नीचे लगे ना, यहाँ फॉर्म पे आपने हल्की आंच कर लेनी है ताकि आपका अंडा भी ना जले और मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 चम्मच और 2 चम्मच ही इसमें सेका ऐड करूँगी, जिसमें 4 चांद लग जाएंगे फ्लेवर को। सोया सॉस, सीका, नमक, काली मिर्च ये तो हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इस शौके आप इससे बगैर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास सब्जियां होंगी तो वो आप डालेंगे तो वो चाइनीज चावल बनाएंगे, तो नहीं जो सिर्फ एग फ्राइड राइस बने हैं सादा सिस्टम से। तो देखें जी हमारे रात से बचे हुए चावल है जिसको मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ये देखें जी, इतनी मज़ेदार डिशेज बनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और इतना मज़ेदार थे, अगर घर में कोई खाता भी ना होगा तो वो भी खाने लग जाएगा और फरमाइश कर करके आपसे बनवाएगा। और अगर आप चावल भी बनाते हैं ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने लग जाएंगे, तो इतने मज़े होंगे तो आपकी कोशिश हो गया चावल बच गए तो हम लोग ये बनाएँ। तो यहाँ पे 5 मिनट का दम लगा दूँगी और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सर्व करके आपको दिखा रही हूँ, और कितने मज़ेदार और डिलीशियस किस्म से चावल तैयार होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने दुआ में लाजमी याद कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी लाजमी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।